सब्सक्राइब कीजिए बालाजी स्टडी मोशन चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का एक बार पुनः फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन हेतु मैथ की पहली क्लास है और मैथ की पहली क्लास में मैं आज आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा कि किस टाइप से वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्न पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके पहले हमने फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए 15 वीडियो आपके लिए अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन 15 वीडियो को देख करके फिजिक्स का प्रिपरेशन भी आप बेहतर तरीके के साथ कर सकते हैं। तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप फिजिक्स का वीडियो देख सकते हो अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, उन महत्वपूर्ण बातों को सीखकर आप सवालों को बहुत सरल तरीके के साथ सॉल्व करोगे। तो सबसे पहली बात जान लेते हैं। सबसे पहली बात आपको यह याद रखना है कि सम संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होती है तथा विषम संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होती है। हमेशा याद रखना कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या आपकी सम संख्या दी है, मान लीजिए आपकी 16 दी हुई, 16 कैसी एक आपकी सम संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी आपका एक सम संख्या ही होगी। इसी प्रकार वर्गमूल के अंदर यानी अंडर रूट के अंदर एक कोई संख्या हमारी मान लीजिए 49 दे दी गई, अब 49 हमारी कैसी एक विषम संख्या है और विषम संख्या का वर्गमूल हमारी एक विषम संख्या यानी 7 भी हमारी कैसी एक विषम संख्या है। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि सम संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या और विषम संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या होती है। फिर दूसरी बात जान लेते हैं। दूसरी बात आपकी ये होती है कि जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3 या 7 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है ना। इस बात को सीखकर आप कभी भी कोई संख्या वर्गमूल के अंदर दी हुई है तो वहां पर अगर आप देखोगे वर्गमूल के अंदर कोई संख्या दी हुई, मान लीजिए हमने दे दिया 122 दे दिया, अब इकाई का अंक यहां पर कितना है 2 है, तो ये संख्या कभी भी एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। या वर्गमूल के अंदर एक संख्या दे दिया गया 123, अब इसके पीछे जो है वो आपका 3 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3, और हमने कहा कि किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3 या 7 दिया हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं बन सकती है, हमेशा इस बात को याद रखना। इसी प्रकार आपकी कोई संख्या दे दी जाए 127, अब जो संख्या दी हुई है उसका इकाई का अंक कितना है 7 है, और हमने बताया कि 2, 3, 7 में कोई भी अंक यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर आता है तो उसका अंडर रूट एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, अर्थात उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो पॉइंटों में आंसर आएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पर हम डिस्कस कर देंगे और इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने एक साथ लिया है क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए दोनों क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक है, इनको बहुत ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि x इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जब भी याद रखना कि कोई सवाल हमारा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x डॉट 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 या इनफाइनाइट तक दिया हो तो आपको करना वहाँ पर क्या है, सबसे सिंपल बात, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको समझना है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं चलना है क्योंकि आपके पास वहाँ पर टाइम कम रहता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो प्लस लगा हो, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर संख्या दी हो, तो आपको करना क्या है कि जो ये संख्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक हमने लिया, यहाँ पर आपकी संख्या कितनी है 2 है, तो आपको 2 की ऐसे फैक्टर करना है यानी ऐसे क्रमिक गुणनखंड करना है जिनको आपस में घटाने पर डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है, 2 एक संख्या है, अगर 2 के फैक्टर करूँ तो 2 × 1 होगा, 2 × 1 = 2 होता है, और 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो डिफरेंस 1 आना चाहिए, जो अंदर संख्या है उसके ऐसे फैक्टर करें कि दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस 2 और 1 का डिफरेंस 1 आ रहा है यानी इसके फैक्टर 2 के करेंगे तो 2 × 1 आएंगे। अब चूंकि अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो प्लस 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 करके लिखी हुई है, तो जब भी अंडर रूट के अंदर संख्या प्लस प्लस करके लिखी हो तो जो
फैक्टर होते हैं उसमें जो बड़ी वाली संख्या होती है वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। हमेशा इस बात को याद रखना, वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। तो यहाँ पर देखें तो दो और एक में कौन सी संख्या बड़ी है, दो बड़ी है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसी क्रम में देखिए दूसरा भी क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ध्यान से देखना। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है अंडर रूट छः प्लस अंडर रूट छः प्लस अंडर रूट छः डॉट डॉट इन्फिनिट तक, तो आपको छः के ऐसे फैक्टर करना है जिनके क्रमिक गुणनखंडों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक होना चाहिए। जैसे छः के हम गुणनखंड करेंगे तो आएंगे दो गुणे तीन, और तीन से एक माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, एक। दोनों क्रमिक गुणनखंडों का डिफरेंस एक आना चाहिए, ये नियम है। अगर उनका डिफरेंस एक नहीं आता है तो वो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो हमने छः के गुणनखंड किए तो कितना आ गया, दो गुणे तीन आया दो गुणे तीन। अब ये संख्या जो है प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स लिखी थी, तो जब प्लस लगा हो अंडर रूट के अंदर तो ये याद रखना कि जो ये क्रमिक गुणनखंड होते हैं इसमें जो बड़ी वाली संख्या होगी, बड़ी वाली संख्या कौन सी है, दो तीन में तीन, वही इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो यहां पर दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लीजिए कि आपका अंडर रूट छप्पन प्लस अंडर रूट छप्पन प्लस अंडर रूट छप्पन और डॉट डॉट इन्फिनिट तक लिखा हो, ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन लिखा हो, तो आपको क्या करना है कि छप्पन के ऐसे फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं, कि इनके क्रमिक गुणनखंडों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक होना चाहिए। जैसे छप्पन के हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे कितने आएंगे, सात गुणे आठ आएंगे कि नहीं आएंगे, छप्पन के गुणनखंड करेंगे तो सात गुणे आठ आएंगे। अब छप्पन आपका प्लस प्लस करके लिखा हुआ था, और जब भी कोई संख्या प्लस में अंडर रूट बार बार करके लिखी होती है तो उसके जो क्रमिक गुणनखंड होते हैं उसमें जो बड़ी वाली संख्या होती है वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम माइनस वाली भी बात जान लेते हैं यहाँ पर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट बहत्तर माइनस अंडर रूट बहत्तर माइनस अंडर रूट बहत्तर और डॉट 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 इन्फिनिट तक, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका वही है। आपको क्या करना है कि बहत्तर के ऐसे फैक्टर करने हैं, कैसे फैक्टर करने हैं, कि इनके क्रमिक गुणनखंडों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो हम जानते हैं आठ नवा कितना होता है, बहत्तर होता है, और नौ से आठ घटाएंगे तो डिफरेंस एक आएगा, यानी बहत्तर के जो क्रमिक गुणनखंड हो जाएंगे वो नौ गुणे आठ हो जाएंगे। अब याद आपको यहाँ पर ये रखना है कि यहाँ पर अंडर रूट बहत्तर माइनस अंडर रूट बहत्तर दिया है, और जब माइनस दिया हो तो इसमें जो आंसर होगा क्रमिक गुणनखंडों में वो छोटा वाला मान होगा, कैसा मान होगा, छोटा वाला। तो माइनस में जब भी दिया हो तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा वाला मान होगा। तो नौ और आठ में कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो अंडर रूट बहत्तर माइनस अंडर रूट बहत्तर माइनस अंडर रूट बहत्तर का जो मान हो जाएगा वो आपका आठ हो जाएगा। ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो जब भी अंडर रूट के अंदर प्लस में संख्या दी हो तो आपको ऐसे क्रमिक गुणनखंड करने हैं जिनका डिफरेंस एक आए, और उन क्रमिक गुणनखंडों में जो बड़ी वाली संख्या होगी वो उसका आंसर होगी। और जब भी कोई संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस करके दी हो तो उसके ऐसे क्रमिक गुणनखंड करना है जिनका डिफरेंस एक होना चाहिए, और उसमें जो छोटी वाली संख्या होगी वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, मान लीजिए अंडर रूट बारह माइनस अंडर रूट बारह माइनस अंडर रूट बारह डॉट 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 इन्फिनिट तक लिखा हुआ है। अब ये 12 संख्या जो लिखी हुई है अंडर रूट में वो बार बार लिखी हुई है और माइनस करके लिखी हुई है, तो आपको करना क्या है, 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि उनके क्रमिक गुणनखंडों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो एक होना चाहिए। जैसे 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर आएंगे 4 3 12 आएंगे, 4 से 3 माइनस करेंगे एक डिफरेंस आएगा, यानी इनके क्रमिक गुणनखंड हो जाएंगे 4 गुणे 3। अब चूंकि 12 जो है वो माइनस माइनस करके लिखा हुआ है तो माइनस माइनस के लिए इनके क्रमिक गुणनखंडों में जो छोटी वाली संख्या होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। तो छोटी वाली संख्या कौन सी है, 3, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3। इस चीज़ को याद रखना, माइनस में क्रमिक गुणनखंड का छोटा वाला मान लेना है और प्लस में क्रमिक गुणनखंड का बड़ा वाला मान लेना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है अंडर रूट पाँच 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 का मान होगा। हमेशा याद रखना, यहाँ पर भी आपके दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी कोई संख्या अंडर रूट पाँच अंडर रूट पाँच अंडर रूट पाँच और डॉट 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 लिखी हो, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लिखा है याद रखना, और अगर डॉट डॉट लिखा हो तो जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी हो वही उसका आंसर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है,
याद रखना जब डॉट डॉट लगाओगे अंडर रूट के अंदर संख्या बार बार लिखी और आगे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक लिखाओ तो वही अंडर रूट वाली संख्या ही उस क्वेश्चन के क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लिखा हुआ है, और जब डॉट डॉट नहीं लिखा होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वो संख्या है जो अंडर रूट पाँच लिखी हुई है वो आपको देखना है कितनी बार लिखी हुई, तो वो आपकी देखोगे यहाँ पर तो छः बार लिखी हुई, कितनी बार लिखी हुई है छः बार, तो दो की पावर उतने का आपको मान निकाल लेना, छः बार लिखी है तो दो की पावर छः का मान निकाल लीजिए कितना आएगा 64 आएगा। आई बात समझ में? अब अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई, कौन सी संख्या लिखी हुई, पाँच, उसको लिख लीजिए। फिर आपने जो 2 की पावर 6 का मान निकाला है वो 5 के ऊपर लिख दीजिए 64, और 64 से एक घटा के 64 के ऊपर लिख दीजिए 63। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 की पावर 63/64। आई बात समझ में? आपको क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है उस वो जितनी बार लिखी हुई है 2 की पावर उतनी का आप मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 6 बार लिखी हुई थी तो हमने 2 की पावर 6 का मान निकाल लिया, कितना आया 64 आया। आया? अब आपको जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखी हुई है उसको लिख लेना है। आई बात समझ? जैसे 5 लिखी थी अंडर रूट के अंदर तो हमने 5 लिख लिया, और उसके बाद 5 की पावर वो लिखना है जो तुमने 2 की पावर निकाल चुके हैं, कितने निकाला है 64, तो 5 की पावर 64 लिखना है और 64 से घटा के उसके ऊपर लिख लेना है, तो 64 से घटा के उसके ऊपर लिखेंगे तो कितना आएगा 63। तो यहाँ पर देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 63/64। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी टाइप का क्वेश्चन लेकर और आप लोगों को एग्जांपल लेकर बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमारी लिखी हो अंडर रूट टू, तब आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट टू कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, तो आपको पहले 2 की पावर 3 का मान निकालना है, कितना आएगा 8 आएगा। आया? अब अंडर रूट के अंदर संख्या कौन सी लिखी हुई है, 2, ठीक है, तो आपको 2 लिख लेना है, और 2 की पावर कौन सी लगानी है, जो 2 की पावर 3 का मान निकाला है वो पावर लगानी है, और पावर के ऊपर एक जो है पावर से एक माइनस करके लिखना है, 8 से एक माइनस करके लिखोगे कितना आएगा 7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7/8। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात जो है क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी आ सकता है, जब डिफरेंस मान आपके अंडर रूट के अंदर प्लस प्लस करके लिखे हों तब आपको कैसे सवाल को जो है सॉल्व करना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं, एक जैसी संख्या प्लस प्लस करके लिखी हो तो हमने कहा उनके फैक्टर कर लेना, बड़ी वाली संख्या उसका आंसर हो जाएगी, अगर माइनस में लिखी है तो छोटी वाली संख्या उन फैक्टरों में से उसका आंसर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं सारी की सारी डिफरेंस हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको वर्गमूल, अभी हमने कहा ना चैप्टर का नाम क्या है वर्गमूल, वर्ग याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अंडर रूट 225 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है अंडर रूट 225, 225 का अंडर रूट कितना होता है 15 होता है, और 15 और उसके बाद आगे कितना लिखा हुआ है 154, और उसके बाद उसके ऊपर फिर अंडर रूट लगा हुआ है, 154 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 169 आएगा, और 169 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कहने का मतलब ये, हमने इतने को सॉल्व किया, 154 प्लस 225 को, तो कितना आया हमारा 13 आया। फिर 13 और 108 जोड़ोगे, 108 और प्लस का 13, तो कितना आएगा अंडर रूट 121 आएगा, सॉरी 121 आएगा। 121 किसका अंडर रूट होता है 11 का, ठीक है। तो आपने जब अंडर रूट 108 को लेकर शामिल किया तो 11 आया, और 11 में आप 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और उसके बाद ऊपर अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर 25 और 11 हो जाएगा 36, और 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद 6 में 10 जोड़ेंगे, ठीक है, 6 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और फिर अंडर रूट ऊपर लिखा हुआ है तो 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आई बात समझे? अर्थात तुमको छोटे छोटे अंडर रूट जोड़ जोड़ के सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए तो इसका पूरा आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लिखी इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, आंसर देखो कितना छोटा आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, छोटे पीछे से लेकर आराम से आपको सॉल्व करना है। 225 का वर्गमूल 15, 164 का वर्गमूल 13, 108 कितना हुआ 108 हुआ 121, 121 का वर्गमूल 11, 11 25 कितना हुआ 36, 36 का वर्गमूल कितना हुआ 6 और 10 कितना हुआ 16, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4th, यानी डी ऑप्शन। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, घनमूल 4 सही 12/125 का मान होगा,
यहाँ पर घनमूल का निशान लगा हुआ है। घनमूल का मतलब ये होता है कि घनमूल के चिन्ह के अंदर जो संख्या तीन बार लिखी होगी वो घनमूल से बाहर एक बार निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए तो ये घनमूल लिखा हुआ है। घनमूल का मतलब होता है पावर 1/3। 125 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 500 आएगा। और 500 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, 125। अगर 512 को अगर हम फैक्टर करें, ठीक है, घनमूल लगा हुआ है, 512 को ले सकते हैं 8×8 और गुड़े 8। और इसी प्रकार 125 को ले सकते हैं 5×5×5। अब हमने कहा कि घनमूल से वो संख्या बाहर निकलती है जो घनमूल के अंदर तीन बार होती है। तो 8 तीन बार है तो वो घनमूल से बाहर निकलेगी तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 5 घनमूल से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 5, क्योंकि वो भी आपकी तीन बार है। अब इसको देखिए, आंसर तो आपका आ गया 8/5, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा, ऑप्शन में सही में आंसर मिल रहा है। तो सही में लिखने के लिए आप क्या करोगे, 5 को 8 से भाग करोगे तो 5×1 कितना जाएगा, एक बार जाएगा, 5×1=5। अब शेषफल कितना बचा आपका, 3 बचा, वो आप इधर लिख दीजिए आंसर में। और बटे में किससे आप भाग कर रहे थे, 5 से, तो 1 सही 3/5 इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1। आई बात सुनने, दो प्रश्न आपके सामने और दिए हुए हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 8^2/3 का मान क्या होगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो 8 को हम ले सकते हैं 2^3, कितना ले सकते हैं, 2^3, और इसकी होल पावर कितनी लिखी हुई है, 2/3। 8^2/3 थी ना, 8 को हमने लिख लिया 2^3। 2^3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही तो आएगा। अब अगर देखें तो ये पावर से ये पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी तो आपका बच जाएगा 2^2, और 2^2 का मान कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर 8^2/3 का मान हो जाएगा 4। आई बात समझ में, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा, यानी 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है √2^4। हमेशा याद रखना 2^4 लिखा है, 2^4 लिख लिया, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, कितना, पावर 1/2 घर हुआ है। 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। 4 का जो अगर क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस फिर अगली संख्या दी हुई है 2^8 और आगे रूट पर लगा हुआ है 4। तो यहाँ पर देखिए वर्गमूल में 2 लिखा होता है लेकिन 2 दिखाई नहीं देता, घनमूल में 3 लिखा होता है 3 दिखाई देता है, और यहाँ पर वर्गमूल पर 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लिखा है 2^8^1/4। घनमूल या वर्गमूल पर जितनी संख्या लिखी होगी उतने बटे आपको कर देना है। यहाँ घनमूल पर 3 लिखी थी, इसका मतलब पावर 1/3, ठीक है। अब 2 से ये 4 को काटोगे तो 2 आएगा, और 2^2 का मान कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस का 4×4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 2^2 का मान कितना हो जाएगा, 4, और 4×4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12। अर्थात यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 12 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा, 12। आपको घातों को जो है सॉल्व करना है, बस याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर आपका अंडर रूट लिखा हुआ है, अगर पावर 6 लिखी है तो इसका मतलब पावर 1/6, अगर वर्गमूल है और घात कोई नहीं तो इसका मतलब पावर 1/2, अगर घनमूल है और पावर 3 लिखी हुई तो इसका मतलब पावर 1/3, फिर वर्गमूल लिखा है पावर 12 लिखी तो उसका मतलब पावर 1/12। तो यहाँ पर आपका वर्गमूल के ऊपर 4 पावर लगी थी, इसका मतलब 1/4, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बात समझे, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 50/x = x/12.5 हो तो x का मान क्या होगा। वीरी जी कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर इस संख्या का क्या कर लेना है, त्रियक मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप त्रियक मल्टीप्लाई करोगे तो x का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और ये 50 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 12.5 से हो जाएगा। आई बात समझ में, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 1/2 मान सकते हो, किसी भी संख्या के 1/2 मान सकते हो। इस पॉइंट को आप हटाओगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी। अब आप देखोगे तो ये 0 से आपका ये 0 हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा x =
125 और गुणे 5, 125 को 5 से गुणा करोगे तो 625 आ जाएगा, और जब ये x का स्क्वायर हटेगा तो दूसरे पक्ष में ये वर्गमूल बन जाएगा, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। आप लोगों को एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हो और इसको बहुत ध्यान से देखना। इसी टाइप के क्वेश्चन सारे आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप कन्फ्यूज हो जाते हो, ध्यान से देखिए। लिखा है अंडर रूट 32.4 बटे अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स का मान क्या होगा। अब एक पक्ष में अगर देखें तो दोनों संख्याओं पर अंडर रूट लगा हुआ है, और दूसरे पक्ष में देखें तो अंडर रूट नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक पक्ष से आपका वर्गमूल वाला चिन्ह आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 32.4 से वर्गमूल हट जाएगा तो ये 32.4 हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स से वर्गमूल चिन्ह हट जाएगा तो ये एक्स बच जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके नीचे 1 मान सकते हो, और त्रिक मल्टीप्लाई आप बहुत आसानी के साथ करोगे तो ये आपका एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 32.4 और बटे के में क्या आ जाएगा, 4। ये x ऊपर चला गया और ये 4 बटे में आ गया 32.4 के, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 4 × 4 = 32 और पॉइंट लगा दीजिए 4 × 4, यानी x का मान यहाँ पर आएगा 8.1। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन में हमारा 8.1 नहीं दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, लेकिन चौथा ऑप्शन इसमें दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अर्थात इनमें से आपका कोई आंसर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो 8.1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके के साथ समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आगे की वीडियो भी मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।